सेना में बदलाव की बयार हो रहे हैं, बड़े बड़े बदलाव। एक ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने रक्षा मंत्री को रिपोर्ट सौंपी और असलियत के बदलाव की जरूरत है। उन्होंने हर एक पॉइंट को छुआ है कि ये बदलाव बहुत जरूरी है। ये सिफारिशें उन्होंने की रक्षा मंत्री जी के लिए कि सेना में जब भी बदलाव हो तो यहाँ से शुरू हो। और आप इस पूरी रिपोर्ट को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप एक एक चीज पढ़ सकते हो और इसका जो कंक्लूजन है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जय हिंद दोस्तों, आइए बोर्ड पर समझते हैं कि आखिर ये लेफ्टिनेंट जनरल साहब को किसने डिटेल किया और सेना के बारे में इन किन सुधारों की बात कही कि ताकि भविष्य में एक प्रभावी सेना बन सके और भेदभाव रहित सेना बन सके, अंग्रेजी रहित सेना बन सके। जरा बोर्ड पर समझते हैं, रिपोर्ट है 2016 की, लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सेतकर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रक्षा मामलों के विशेषज्ञ, उच्च पदों पर रहे हुए एक क्वालिफाइड जनरल जिन्होंने अपने तीसरी आंख से देखा, मतलब दोनों आंखें सब लोग देखते हैं अपने फायदे की नुकसान की, उन्होंने तीसरी आंख से देखा, दूरदर्शिता दिखाई, पारदर्शिता दिखाई कि ये बदलाव जरूरी है। उन्होंने पहले बोला था आपका जो फौज का स्ट्रक्चर है वो टैक्टिकली कहाँ चेंज होना चाहिए, टैक्टिकली यानी ग्राउंड में लड़ने के तौर तरीके बदल गए तो आपके परफॉर्मेंस लेवल पर कहाँ स्ट्रेंथ होनी चाहिए इसके बारे में उन्होंने बात किया। प्रमोशन पॉलिसी के बारे में बात किया कि कहीं किसी को बहुत फायदा मिलता है, किसी को फायदा नहीं मिलता, इसके ऊपर बात किया। आइए फिर जवानों के लिए इन्होंने क्या कहा जो कि बहुत जरूरी है। सबसे पहले का खान पान और रहन सहन, उनका खाना बिल्कुल न्यूट्रिशन चाहिए, जो उनका फिजिकल वर्क है, जो उनका मेंटल वर्क है उसके अकॉर्डिंग उनको खाना देना चाहिए, और रहन सहन और रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, ये बात उन्होंने कहा। फिर भेदभाव में रेस्पेक्ट की बात कर ही रहा था, भेदभावहीनता नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजों का स्ट्रक्चर है अफसर अलग, जेसीओ अलग, जवान अलग, मैस अलग, मिलना अलग, छूना बोलना सब तू तड़ाक तेरी मेरी, ये नई MC BC वाली बातचीत नहीं होनी चाहिए। फिर का लीव पॉलिसी स्ट्रिक्ट फॉलो होना चाहिए, एक जवान का हक है कि उसको 90 दिन छुट्टी उतराए तो वो 90 दिन अपने सही तरीके से छुट्टी काटे, अपने परिवार को समय दे, परिवार के काम करे और फौज में मन लगा के नौकरी करे, AWL OSL जैसी चीजें न हो, इस पर जोर दिया। अब आइए मेन बातें कहते, अंग्रेजी प्रथा कॉलोनियल, उन्होंने कहा सबसे गंदा, स्पष्ट एक लेफ्टिनेंट जनरल कहता है कि सेवादार प्रणाली और बड़ी सिस्टम के नाम पर, सीधा सेंटेंस आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, हिंदी में भी पढ़ सकते हो, देखा भी है, समझा भी है, लेकिन आज जो बदलाव की चीजें बैठी हुई है, बदलाव हो रहा है, वहां तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैं आपका साथ चाहिए, आपका सहारा चाहिए। सैनिकों के रूप में कार्य करते हैं, करते हुए अधिकारियों के घरों में जूते पॉलिश, कुत्ते घुमाना, छोटे मोटे काम, निजी नौकर बनकर रह गए हैं। बहुत सारे सोल्जर आंखों में आंसू जाते हैं, हृदय विदारक स्टेटमेंट है, जो आंखों से देखा है, समझा है, जिया है, भुगता है। कईयों ने नौकरी छोड़ी होगी, कईयों ने जिंदगी छोड़ी होगी, कईयों ने बहुत कुछ सहा होगा इस चीज के ऊपर, बहुत सारे सोल्जर्स हैं सेक्रीफाइस कर गए और इसकी अब जरूरत नहीं है। आज भी इसके ऊपर खुल के बात नहीं हो रही है, ये बात इसलिए आपके साथ वीडियो बना रहा हूं, प्लीज शेयर जरूर करें कि बात आगे तक जाए। बढ़ती हुई आत्महत्याएं, ये सारे कारण, छुट्टी, भेदभाव, अंग्रेजी प्रथा के कारण आत्महत्याएं बढ़ रही है। उन्होंने कहा है भाई भतीजावाद, बहुत भाई बंदी होती है, जो चाहे एरिया के हिसाब से हो, चाहे कास्ट जिम के हिसाब से हो, फौज में ये कहा है, उन्होंने खुलकर इसके ऊपर बात की है कि भाई भतीजावाद है फौज में, इसको खत्म करना जरूरी होगा, नहीं फौज ही आपस में बट जाएगी कभी न कभी। शिकायत का निवारण नहीं है, यदि कोई शिकायत करता है तो उसी को पनिशमेंट दे दिया जाता है, उसको घुमाया जाता है, चक्कर कटाए जाते हैं, सही निवारण नहीं है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बंदा शिकायत करके उसको न्याय मिल जाए, भरोसे वाली कोई संस्था नहीं है। पेंड अलाउंसेस हों, उसके जो पेंड अलाउंसेस आधिकारिक रूप से मिलते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, और बहुत सारे भेदभाव हैं पेंड अलाउंसेस में, चाहे मिलिट्री सर्विस पे को लेकर हो, चाहे हल्टी अलाउंसेस को लेकर हो, चाहे ट्रैवलिंग अलाउंस को लेकर हो, एजुकेशन अलाउंस को लेकर हो, बहुत सारी चीजों पर कहा है। बहुत बड़ी रिपोर्ट है दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जरूर शेयर करें। आज कमेटी बैठी हुई है, इसके ऊपर भी विचार किया जा रहा है दोस्तों, इसके ऊपर भी गहन अध्ययन हुआ है जनरल सेतकर साहब की और बहुत सारे जनरल साहब, बहुत सारे चीजें, कहीं कोई चीज छूट ना जाए। यहां तक आपकी आवाज जितनी भी है आप इसको शेयर करें, हम वहां तक जरूर पहुंचाएंगे, ट्विटर के माध्यम से पहुंचाएं, किसी आर्टिकल्स के माध्यम से पहुंचाएं, लेकिन आवाजें उठती रहनी चाहिए, तभी मिलेगा हमारे जवानों को सच्चा न्याय। धन्यवाद।